अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट बीकॉम पार्ट टू। लास्ट टाइम हमने पढ़ ली थी, टू फैक्टर थ्योरी भी हमने पढ़ ली थी, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी भी हमने पढ़ ली थी, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन भी हमने पढ़ लिया था, इसके ऊपर भी बात हमने कर ली थी। मेरे ख्याल से ये वाला सवाल आज हम पढ़ें, तो आज का जो हमारा सवाल है वो ये है, हाउ फार मनी कैन ऑपरेट एज अ पावरफुल मोटिवेटर। हाउ फार मनी कैन ऑपरेट एज अ पावरफुल मोटिवेटर। How far money can operate as a powerful motivator? In the context of existing economic system, money has become a means not only to satisfy physical needs of daily life, but also for obtaining social position एंड पावर। यानी अगर हम देखा जाए इकोनॉमिक सिस्टम, अगर हम मौजूदा इकोनॉमिक सिस्टम अगर हम देखें, तो अब क्या हो गया है कि ये जो हमारा निजाम है भाईशा, इसी से बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। सुपर पावर कौन है जी? वही जिसकी मीशत सुपर पावर, जिसकी इकोनॉमी सुपर पावर, वही सुपर पावर कहलाता है। यानी कि बहुत सारे जो हमारे मुल्क में फैसले हो रहे हैं, दुनिया भर में जो फैसले हो रहे हैं, वो क्या चीज़ देखकर हो रहे हैं? पावर देखकर फैसले हो रहे हैं, ठीक है जी। In the context of existing economic system, money has become a means not only to satisfy the physical needs of daily life, यानी कि जो हमारा पैसा है, हमारा बिजनेस है, और हमारे जो पैसा जो है सिर्फ हमारी डेली जो लाइफ होती है, फिजिकल नीड्स लाइक खाना पीना कपड़े दवाइयाँ, सिर्फ यही नहीं बट ऑल्सो अपीयरिंग सोशल पोजिशन एंड पावर। बल्कि पैसे कमाने का मकसद और क्या होता है? एक सोशल पोजीशन हासिल करना और पैसा यानी कि पावर हासिल करना। ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट टेक केयर ऑफ देयर प्राइमरी नीड्स ऑफ गुड। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं? अपनी प्राइमरी नीड्स जो होती हैं उनकी, उसका वो ख्याल करते हैं। इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले इंसान उन चीज़ों की फिक्र करता है। जब रोटी कपड़ा और मकान उसे मिल जाता है, ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान मिलने के बाद फिर वो फिक्र करता है फर्स्ट टेक केयर ऑफ देयर प्राइमरी नीड्स ऑफ गुड शेल्टर एंड क्लोथिंग। ह्यूमन बीइंग फर्स्ट टेक केयर ऑफ देयर प्राइमरी नीड्स ऑफ गुड शेल्टर क्लोथिंग इत्यादि। Since money has the exchange values, पैसे का जो है वो एक्सचेंज, पैसा क्या होता है? एक्सचेंज वैल्यू होती है। दे कैन हैव एन एक्सचेंज ऑफ मनी। कोई भी चीज़ उनको चाहिए वो आप किससे हासिल कर सकते हैं? पैसे को एक्सचेंज करके, जो आपके पास पैसा है वो दे दें और जो आपको चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। Okay.
Since money has exchange value, ये भी हम सुन लिया। The organization offer wages become incentive for the individual to join the organization. जब कोई बंदा होता है उसको नौकरी की तलाश होती है, एक बंदा जो बेरोजगार होता है वो नौकरी क्यों करना चाहता है? सबसे ज्यादा जो नौकरी करने की वजह होती है वो यही होती है कि वो नोट कमाना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, और पैसे कमाने के लिए वो क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। तो नौकरी करने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो क्या होती है, दैट दे वॉन्ट टू अर्न मनी। अच्छा, आज क्योंकि बारिश हुई है और बारिश के बाद यही होता है कि बहुत सारी जगहों की लाइट नहीं होती, तो हो सकता है बच्चे आज कम ही ज्वाइन करें हमारी क्लास। असल में बच्चियों की पैदाइश की वजह से मैं संडे को क्लास नहीं ले सका था। इंशाल्लाह बहुत कभी इम्कान है कि मैं कल ज़रूर आपकी क्लास लूँगा इंशाल्लाह। अभी तक तो इरादा मेरा है कि हर हाल में कल क्लास लेंगी इंशाल्लाह अल्लाह मालिक। अच्छा जी, तो इंसान को पैसों की ज़रूरत होती है, पैसे के लिए वो कोई इदारा ज्वाइन करता है, काम करता है, इस उम्मीद से वो काम कर रहा होता है कि उसको क्या मिलेगा, माल मिलेगा। अटेंडेंस ले लो यार, अबू बैदा अभी आप ले लो ना यार अटेंडेंस, इतनी सी अटेंडेंस है क्या है? आसिया हमजा रबिया अरे हाँ रिजल्ट भी तो आ गया। रबिया क्या हुआ बेटा, किस किस का क्या हुआ? आसिया बेटा क्या हुआ, या आप भी बताइएगा। हमजा आपका नंबर आया नहीं, आप तीनों अपना रिजल्ट तो बताओ। बड़ी अच्छी चीज याद दिला दिया। हेलो हेलो, 15% रिजल्ट आया बीकॉम का जी, पार्ट 1 रेगुलर का रिजल्ट आया ना। मेरे को तो रिजल्ट आ गया। आपका नंबर नंबर था उसमें, नंबर था। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चलें जब मिलेंगे तो फिर आप मिठाई खिलाइएगा, ठीक है? आसिया आप भी बताएं और हमजा आप भी बेटा। कुछ नहीं तो उसमें बता दिएगा, चैट में ही बता सकते हैं आप। कोई ऐसी वैसी बात हो तो प्राइवेट चैट करके भी आप बता सकते हैं। एक तो बच्चे का मेरे UFM लिखा हुआ है, अनफेयर मी, यानी कि वो नकल करते हुए पकड़ा गया था। ऐसा भी होता है। Since money has the exchange values, these they can have. The organization offer wages, which become incentives for individuals to join the organization. Though various theories do not emphasize the role of money as motivating factor. बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो कि मोटिवेशन कर दी गई, लेकिन उनके अंदर पैसों का जिक्र ही नहीं। यानी बहुत सारी ऐसी थ्योरीज दी गई जिनके मुताबिक ये है कि पैसा सिर्फ पावरफुल मोटिवेटर नहीं है, बल्कि बगैर पैसे के भी मोटिवेशन हो सकती है। इट शुड बी बॉर्न इन माइंड दैट मनी हैज इट्स स्पेशल सिग्निफिकेंस इन मोटिवेशन स्कीम्स विच मे नॉट नेसेसरीली कवर्ड बाय दीज थ्योरीज। लेकिन हकीकत यही है कि पैसा बहुत मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को मुतमईन कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें बहुत सारी थ्योरीज कवर करें, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज इन चीज़ों को कवर करती भी हैं और वाकई में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ऐसी बात नहीं है कि वैल्यू नहीं होती। Thus, to some people, money is not important, whether they have a lot or little. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनके लिए पैसा कदर नहीं रखता, वैल्यू नहीं रखता। लेकिन ये एक एज के बाद होता, कम एज में तो पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता। लेकिन जब एज ज़्यादा हो जाती है
कम एज में पैसा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब एज ज़्यादा हो जाती है तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती। जब इंसान को ये लगे कि यार अब तो मेरे मरने का वक्त करीब आ रहा है, ठीक है ना, जब इंसान को ये लगे कि यार उसके मरने का वक्त करीब आ रहा है, तो वो बोलता है कि यार छोड़ो अभी पैसे का क्या करना, ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं, ठीक है जी। हाँ वाकई में पैसा एक खास एज तक काम में आता है, उसके बाद पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती। थस टू सम पीपल मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट वेदर दे हैव अ लॉट और लिटिल, अदर्स नो मैटर हाउ मच मनी एंड दे हैव आर कंटिन्यूसली ड्रिवन बाय द डिजायर टू एक्वायर मनी पॉसिबिलिटी टू सेटिस्फाई देयर डिजायर फॉर स्टेटस और देयर गोल ऑफ बींग रिच, ईच एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स respectively in terms of need hierarchy. Thus, money is a factor by which a person can satisfy his various types of need. देखें, अलग-अलग तरह के लोग होते हैं दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग हैं। अब कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें चाहिए होता है माल दौलत, इसलिए कि वो चाहते हैं कि लोग उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। अच्छा, कुछ होते हैं बोलते हैं छोड़ो यार माल दौलत को, छोड़ो छोड़ो यार इज्जत को, लोग अगर मेरी इज्जत करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या, ठीक है ना, यानी जबरदस्ती की इज्जत का कोई फायदा तो है नहीं। कि अगर कोई आपकी पैसा देकर इज्जत करा तो वो इज्जत नहीं है, बल्कि उनका मकसद ये होता है कि बस अभी इसको थोड़ा सा काम आ जाओ ताकि बाद में ये हमारे भी काम आ जाए, ठीक है ना, हम इसलिए और ये हमारे काम आए। तो ये चीज़ भी बड़ा मैटर करती है कि हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग एंड हाउ यू आर गेटिंग रिटर्न आउट ऑफ इट, ठीक है। मेरे नज़दीक, मैं आपको अपना बताऊं कि मेरे नज़दीक में ऐसी कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इंसान भले से उसकी इज्जत हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी, मतलब लोग उसकी इज्जत करें या ना करें। चले अल्लाह सबके अपन बेहतर करे, जिसका नंबर आया है उसको मुबारकबाद, जिसको नहीं आया उसको साथ इजहार अफसोस के साथ दुआ कि अल्लाह ताला उसको अगली बार कामयाब करे। देखें जी, इसमें आगे क्या लिख रहा है कि देखें इंसान रिच होना चाहता है, लेकिन रिच होना बेसिकली फाइनल गोल नहीं होता। अब आपको ये भी देखना चाहिए कि इंसान अमीर होना ही क्यों चाहता है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि हमारा पहले जरा घर अच्छा नहीं था एक ना, मतलब तो हमने फिर अच्छा घर की तरफ जाने का सोचा। तो हम अगर अच्छी तरफ अच्छे घर की तरफ गए तो उसकी भी वजह थी, उसकी वजह क्या थी, यही यार वो अगर हम अच्छे घर की तरफ जाएंगे तो लोग हमारी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने चेंज कर लिया भैया घर, आ गए हम ज़रा बेहतर जगह पर, और यकीन माने कि हमारे मिलने जुलने वालों के बिहेवियर में से फ़र्क आया कि अभी हम एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए, 3 फ्लोर का घर है, तो लोगों का बिहेवियर में क्या आ गया, इसकी वजह से चेंज आ गया। बहुत ही मादा परस्त दुनिया हो चुकी है, और जितना ज़्यादा आप दुआ करें दिखता है तो बिकता है, वाकई में ऐसा है कि दिखता है तो बिकता है। अगर लोगों को नजर आएगा कि हाँ भाई अच्छा है तो फिर वो ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। चले बारे आगे चलते हैं।
financial incentives may be classified into two. Individual financial incentives. This group of incentives includes all such plans which induce an individual to achieve higher output to earn higher financial rewards. इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि भाई उसको बहुत सारे इंसेंटिव्स नज़र आए, यानी कि उसको माल नज़र आए, अगर वो काम करेगा उसको ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, ये चीज़ उसको क्या करेगी, मोटिवेट कर देगी और वो ज़्यादा काम करने की तरफ रागिब हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके अंदर बता दिया कि अगर उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा तो पैसा ज़्यादा मिलने की सूरत में वो क्या करेगा, ज़्यादा एफर्ट्स कर सकता है, ज़्यादा मेहनत कर सकता है। दिस ग्रुप ऑफ इंसेंटिव्स इंक्लूड्स ऑल सच प्लान्स विच इंड्यूस एन इंडिविजुअल टू अचीव हायर टारगेट, यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान में हर वो चीज़ होती है जो उसको ज़्यादा मेहनत करने पर आमादा करती है। To earn higher financial rewards. The basic assumption behind this incentive is that an individual will be motivated for higher output. और इसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि individual जो होता है वो motivated होता है for the higher output, यानी कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो motivated होता है to earn more money, ताकि उसको क्या मिले, ज़्यादा पैसा मिले। जब वो ज़्यादा कमाएगा तो उसको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। Which satisfies his needs, जो उसकी needs को क्या कर देगा, satisfy कर देगा, मुतमईन कर देगा। Collective financial incentives. This group of incentives include all such plans which try to motivate individuals collectively. The basic idea of these incentives is the same as above. However, the employees are given these collectively. Example are bonus, profit sharing, pension plans, etc. अच्छा, group incentives भी होते हैं, यानी कि एक इदारा या group अगर एक खास target को achieve कर ले तो उसके कुछ खास targets को achieve करने की वजह से उसको रिटर्न दिया जाता है। जो भी उसको रिटर्न दिया जाएगा उसका बेनिफिट तमाम लोगों को मिलता है। ग्रुप इंसेंटिव इसको कहते हैं। अच्छा, ग्रुप इंसेंटिव भी बड़ा कॉमन है हमारे, ये जितने भी लोग होते हैं उनको एक टारगेट दिया जाता है पूरे ग्रुप को, और जब पूरा ग्रुप वो टारगेट अचीव कर लेता है तो उनको उसका बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये हमारा सेक्शन था मोटिवेशन का वो ख़त्म हो गया, ठीक है जी। और हमजा आप इकलौते रह गए क्लास के अंदर, कोई सवाल है हमजा आप तो आप पूछिए। आप हमजा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? बस यहीं तक रखते हैं।